वेलकम टू बाल गोविंदम ऐप, कक्षा 8, पाठ 12, सुदामा चरित्र, भाग 1 में मैं आपके लिए शब्दार्थ और प्रसंग की 2 व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, मैं आपको जो ये वक्त भेज रही हूँ, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। पहले लिखोगे आप शब्दार्थ और उसके बाद क्रमवाइज व्याख्या करते जाइए। आज हम पहले सुदामा चरित्र के प्रसंग 12, पाठ 12 के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता देती हूँ, आपकी किताब के अंतर्गत ये शब्दार्थ दिए हुए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सभी के पास बुक होगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ओके। अब हम पाठ का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रसंग हमारा कुछ इस प्रकार है, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद मैं इसकी व्याख्या आपको क्रमबद्ध बताऊँगी। पहला प्रसंग हमारा कुछ इस प्रकार है। शीस पगा न जग्गा तन में प्रभु, जाने को आही बसी के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाव उपनाव को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। बच्चों, इसके अंतर्गत आप एक व्याख्या है ये, इसके अंतर्गत ये समय उस समय की बात है। मैं आपको बता देती हूँ, ये पाठ श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के ऊपर है, जिस समय श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए थे और सुदामा गरीब ही रह गए थे, लेकिन दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। सुदामा जी की पत्नी के बार बार कहने पर जब सुदामा जी श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारका जाते हैं, ये उस समय की बात है। मैं आपको इसके अर्थ बताऊँगी। अब पहले मैं इसकी प्रथम प्रसंग की व्याख्या आपको बता देती हूँ। प्रथम प्रसंग हमारा शीस पगा से लेके डैश डैश नाम सुदामा तक है। आपको कॉपी में इसी तरह लिखना है। आप सबको पता है, जब हम प्रसंग और सब प्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में आपको पहले ही बताया हुआ है, प्रस्तुत प्रसंग हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई हैं और इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास जी। इन पंक्तियों में कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन कवि ने किया है। सुदामा की पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं। अब देखो, हमने इस व्याख्या में क्या पढ़ा है, हमने इस प्रसंग में क्या पढ़ा है, उसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब श्री कृष्ण और सुदामा मिलन होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं, वयस्क यानी बड़े होने पर कृष्ण राजा बनते हैं और सुदामा गरीब ही रहते हैं। उनकी पत्नी के कहने पर सुदामा कुछ मदद की उम्मीद से कृष्ण से मिलने जाते हैं। कृष्ण का द्वारपाल आकर बताता है कि एक व्यक्ति जिसके सिर पर न तो पगड़ी है न ही जिसके पांव में जूते हैं, उसकी फटी सी धोती पहनी हुई है, वह चकित होकर द्वारका के वैभव को देख रहा है और आपका नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बच्चों, हमारा पहला प्रसंग जो था, शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी दुपट्टी और उपानों को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपना नाम सुदामा। यानी इस प्रसंग में कह रहे हैं कि एक आदमी आया है, यानी एक दुर्बल भिखारी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति हमारे द्वार पर खड़ा है और ना तो उसके सिर पर पगड़ी है ना, और उसकी धोती भी फटी हुई है, और द्वारका का जो वैभव है यानी द्वारका की जो विलास देख रहा है वैभव को, वो बड़ा आश्चर्य से देख रहा है और अपना नाम तो सुदामा बता रहा है और आपका नाम पूछ रहा है कि मेरे श्री कृष्ण कहाँ पर है। अब हम दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे। ऐसे विवाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने न कितने दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सोपग धोए। बच्चों, अब मैं इसकी व्याख्या आपको इस प्रकार है। प्रसंग आपको जैसा मैंने पहले में बताया वैसा ही लिखना है कि यह हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से लिया गया, इसके रचयिता नरोत्तम दास है। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बताती हूँ। कृष्ण तुरंत जाकर सुदामा को लेने पहुँच जाते हैं। जैसे द्वार पर उनको कहने जाता है कि द्विज अपना नाम बस सुदामा बता रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, तो दूसरे प्रसंग में बताते हैं श्री कृष्ण तुरंत उनको लेने के लिए बाहर जाते हैं। उनके पैरों की बिबाइयाँ यानी हमारे पैरों में जो एडी फटती है उसको बिबाई कहते हैं, उन पर कांटों के निशान
किसान देखकर कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट में दिन बिताए हैं। यानी जब श्री कृष्ण सुदामा को देखते हैं तो उनके पगों में, उनके पैरों के अंदर जो उनकी बिबाई हैं, उनके अंदर जो कांटे चुभे हुए होते हैं, उनको देखकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, तुमने बहुत कष्ट के यानी बहुत दुख के दिन बिताए हैं। इतने दिनों में तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और उनसे प्रश्न करते हैं, हे सुदामा, तुम इतने दिन तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझसे सुदामा की खराब हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए और सुदामा की जो स्थिति थी उसको देखकर श्री कृष्ण बहुत रोने लगे। कृष्ण इतना रोए कि सुदामा के पैर पखाड़ने के लिए परात में जो पानी था उसे छुआ तक नहीं और सुदामा के पैर कृष्ण के आंसुओं से ही धुल गए। यानी यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अतिशोक्ति यानी बड़ा चढ़क कर बात कही गई है कि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण इतने रोए कि जो परात लाए थे पानी की भरकर, जिसमें सुदामा के पैर धोने थे, उस पानी को गिराना ही नहीं पड़ा, क्योंकि भगवान के जो आंसू थे वह सुदामा के भगवान के आंसुओं के द्वारा ही उनके पैर धुल गए। यानी नैनन के नीर इतने बहे, यानी आँखों से इतना पानी बहा कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी पानी लेकर सुदामा के पैर की धोने की। इस प्रसंग के अंतर्गत अतिशोक्ति अलंकार का उपयोग हुआ। अतिशोक्ति यानी बढ़ा चढ़ा कर बात को कहना। बच्चों, मैंने आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, दूसरा प्रसंग क्या है। ऐसे बिहार विवाहीन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोए, हाय महा दुख भयो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी कृष्ण भगवान जब जैसे द्वार पर जाके बोलता है सुदामा के बारे में, तो कृष्ण खुद स्वयं सुदामा को लेने बाहर आते हैं और उनके पैरों की हालत देखकर, यानी उनकी फटी एड़ियों में कांटे छुपे होते हैं, उनको देखकर वो बोलते हैं, हे सुदामा, तुमने कितने दिन तक कष्ट में बिताए और इतने दिन तुम कहाँ थे, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? और जो पानी से, जो उनके लिए पानी से भरकर थाल मंगाया था कि मैं इनके पैर धोऊंगा, वो धोने के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। कृष्ण इतने रोए कि उनकी आंखों से जो पानी बहा था उसी से सुदामा के पैर धुप गए। अब आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे दो प्रसंग दिए हैं, इसके साथ ही मैंने आपको शब्दार्थ भी दिए हैं। आपको पहले अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है और जैसे एज इट इज़ मैंने PDF में आपको ये प्रसंग लिख के दिया है, आपको उसी तरह अपनी कॉपी में लिखना है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रसंग समझ आया होगा। धन्यवाद।